विंटर वाले फूलों की भी तैयारी हो गई है, ये देखिए। अच्छा, ये नर्सरी जो ना बहुत बड़े एरिया में है, बहुत ज़्यादा एरिया में है, चार पांच नर्सरी हैं, पर मुझे यही सबसे बेस्ट लगती है। मेरे मनपसंद एक तो प्लांट मिल जाते हैं यहाँ पे, और मैं जिस भी प्लांट की डिमांड करती हूँ ना, वो मुझे मिल जाता है। कहीं से भी ले आए भैया, ला देते हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों ने ना लैला मजनू के प्लांट के बारे में भी पूछा था, ये यहाँ पे 100 रुपीज़ का है। और लैला मजनू क्यों बोला जाता है, ये देखिए इसके पीछे के पत्तों का जो कलर है ना, वो रेड कलर है, और यहाँ ये ग्रीन कलर के हैं। और ये जो प्लांट है 100 रुपीज़ से स्टार्ट है, हाइट के हिसाब से है, जो जितना बड़ा प्लांट होगा उसकी जो प्राइस है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है, पीछे से रेड कलर का होता है ना ये देखिए, और ऊपर से ये ग्रीन कलर का होता है। और इस प्लांट का नाम है लैला मजनू का प्लांट। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि लैला मजनू कैसा नाम रख रखा है। देखिए शायद यही वजह होगी कि यहाँ से ये रेड कलर का और यहाँ से ये ग्रीन कलर का। ये बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये देखिए, और काफ़ी बड़े बड़े और हेल्दी भी बहुत हैं। अगर आप किसी एरिया को हाईलाइट करना चाहते हैं ना, तो आप अरेका पाम जरूर लगाइए, क्योंकि ये तो हार्डी क्रोटोन भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, 50 रुपीज़ से स्टार्ट है। क्रोटोन की बहुत सारी वैरायटीज है। आप इंडोर प्लांट्स के लिए, जहाँ इंडोर तो पूरी तरह नहीं कह सकते, लेकिन सेमी शेड एरिया के लिए जो है वो क्रोटोन सबसे बेटर है। क्रोटोन जो है वो सेमी शेड एरिया में बहुत अच्छे से चलता है। ये ड्रेसिना, ये यहाँ पे 100 रुपीज़ का। ड्रेसिना में बहुत सारी वैरायटीज आती है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये भी सेमी शेड एरिया में बहुत अच्छे से चलता है, और देखिए कितनी खूबसूरत है इसकी पत्तियाँ, देखिए कितनी खूबसूरत है। ये भी ड्रेसिना, ये ड्रेसिना प्लांट शायद 50 का होगा, पर ये थोड़ा बड़ा है ना, तो ये 100 रुपीज़ का होगा। यार मच्छर बड़ा है। ये भी ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। अच्छा, ये पानी में भी लग जाता है, बैम्बू प्लांट जिसे बोलते हैं ना, ये उसी की वैरायटी। ये पानी में भी लग जाता है, मिट्टी में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और ये 100 रुपीज़ का है, ये मेरे पास है 100 रुपीज़ का है। एग्लोनीमा जो प्लांट है ना, वो हर नर्सरी में बहुत कॉस्टली होता है, पर यहाँ पे ये प्लांट जो वो 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ में है। और ये प्रेयर प्लांट जो है, ये है प्रेयर प्लांट, तो शाम के समय इसकी पत्तियाँ बंद हो जाती हैं, तो इसलिए इसको प्रेयर प्लांट कहते हैं। ये भी यहाँ पे 50 और 100 रुपीज़ का है। स्पाइडर प्लांट में भी ये वाली वैरायटी बहुत अच्छी लगती है, वेरिएटेड वैरायटी है ये, आप इसको भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छी है, ये भी यहाँ पे 50 रुपीज़ से स्टार्ट है। अगर आप पठानकोट लोकल यहाँ पे रहते हैं पंजाब में, तो आप इस नर्सरी में विज़िट करिए, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आपको अच्छे लगेंगे, और शायद आप उनके बारे में जानते भी ना हो, तो आपको यहाँ मिल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी विज़िट करूँगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।